हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो मदर एंड बेबी केयर टिप्स। तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ये कैसे होती है, क्या एक बार ऑपरेशन करवाने के बाद दोबारा एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, तो ये ठीक कैसे हो सकती है, क्या ये बच्चा सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, पूरे डिटेल से आपको बताऊंगी। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब ही होता है कि यूट्रस में, बच्चेदान में बच्चा ना रह के वो कहीं और पल रहा होता है। जैसे हमारे शरीर में दो फ्लोपियन ट्यूब और दो ओवरीज होती हैं, जो हमारे भ्रूण, जो छोटा बेबी होता है वहाँ पे बेबी बनता है और आगे की ओर जो ट्यूब होती है वो आगे पुश करती है यूट्रस में। तो किसी कारण वजह से जो फ्लोपियन ट्यूब है वो यूट्रस में बच्चे को पुश नहीं कर पाती है, मतलब वो पुश करने में सक्षम नहीं रहती है। तो ये वजह क्या होती है? ट्यूब कमज़ोर होती है, ट्यूब में डिफेक्ट होता है, हार्मोनल डिफेक्ट होता है, या कोई जेनेटिक इफेक्ट होता है, या फिर इतना वो उसमें क्षमता नहीं है कि वो पुश कर पाए यूट्रस में, तो इसी की वजह से बच्चा ट्यूब में ठहर जाता है। तो ट्यूब में ठहरने से बच्चा क्या, ट्यूब तो पतली धागे जैसी होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, तो उसमें बेबी ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली कि जो आपकी ट्यूब है वो फट सकती है और बेबी सर्वाइव नहीं करेगा, बेबी तो डेड हो जाएगा। और बेबी को हम ये प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करने भी नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें माँ के जान का भी और बच्चे का तो खतरा रहता ही रहता है, बच्चा तो जी नहीं सकता और माँ को भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चेदानी फट जाती है तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है, माँ की जान भी जा सकती है। तो इस प्रेगनेंसी को हम आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? इसका इलाज हम DNC से नहीं कर सकते हैं, मतलब DNC तो अगर आपको यूट्रस में कोई बेबी, मतलब आप प्रेग्नेंट हो गए हो, यूट्रस में कोई कंजेंटल अबनॉर्मेलिटी वाला बेबी है या आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो इसमें हम DNC कर सकते हैं। बट फ्लोपियन ट्यूब का रास्ता अलग है, यूट्रस का रास्ता अलग है, तो हम DNC इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें ऑपरेट के द्वारा ही जो आपकी ट्यूब है उसको निकाला जाता है, या फिर उस जो छोटा बेबी होता है उसको हम काट के निकाल सकते हैं ट्यूब के द्वारा, या फिर उसको स्क्वीज करके निकाल सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम उसको स्क्वीज करके भी निकालेंगे या फिर उसको ऑपरेट करके निकाल देंगे और बच्चेदानी को दोबारा सील देंगे, तो क्या पता आपको दोबारा से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बच्चेदानी की जो ट्यूब है वो कमज़ोर है, उसमें हार्मोनल डिफेक्ट है। तो क्या पता आपको दोबारा से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए और आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाए। तो इसलिए हम ये चीज़ की सलाह नहीं देते हैं, जो ट्यूब होती है उसको पूरी तरह से निकाल देते हैं और दूसरी ट्यूब जो होती है वो प्रॉपर ठीक रहती है, तो वो अपना काम करती है, वो उससे भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो मेडिकल इलाज इसका क्या हो सकता है? मेडिकल इलाज, सबसे पहले हम कुछ मेडिसिन दे के देखते हैं। अगर मेडिसिन से वो बेबी सूख जाता है तो वो अपने आप ही डेड हो जाता है, सूख जाता है, बाहर निकल जाता है, तो इसमें हम सर्जरी की नीड नहीं पड़ती है, सर्जरी नहीं करते हैं, तो कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें कुछ एंटी कैंसर ड्रग होती हैं जो उसको किल करके उसको बाहर निकाल देती हैं, बट कई बार ये भी फेल हो जाती हैं, मेडिसिन भी फेल हो जाती हैं, नहीं काम करती हैं, तो हम सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, ताकि माँ को तो हम बचा सके अच्छे से, उसके शरीर में इन्फेक्शन ना हो। तो क्या एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने से जो एक ट्यूब निकाल दी, दूसरी ट्यूब में भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है? यस, बिल्कुल, दूसरी ट्यूब भी आपकी ख़राब हो सकती है। अगर आपको जेनेटिक इफेक्ट है या आपकी जो ट्यूब है कुदरती, आपकी जो ट्यूब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मतलब जो फ्लोपियन ट्यूब होती है वो बड़ी है, उसकी वजह से भी बेबी को ट्रैवल करने में यूट्रस तक प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक्टोपिक वहाँ पर भी हो सकता है और उस ट्यूब में भी आपको सर्जरी की नीड पड़ सकती है। तो इसलिए जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो तुरंत आप स्कैन करवाएं, डेली रूटीन जो स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, उसको आप जरूर करवाएं, ताकि आप पता कर सके कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है और आप जान से भी बच सकती हैं और आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं हो सकता है और आपका बेबी भी सर्वाइव कर सकता है। तो आप इन बातों को जरूर ध्यान रखें प्रेगनेंसी में, जब भी प्रेग्नेंट होते हैं और आप लैब टेस्ट होते हैं, कुछ और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आपको हॉस्पिटल या लैब में जाके मालूम पड़ सकता है, तो आप इन सारे स्कैन को जरूर करवाएं, क्योंकि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता है बच्चा। मिनिमम मैंने देखा है कि 3 से 4 मंथ तक ही बेबी सर्वाइव कर पाते हैं, अदरवाइज बच्चेदानी जो होती है वो फट जाती है। बहुत सारे केसेस हॉस्पिटल में आते हैं ऐसे रप्चर से, मतलब जो फ्लोपियन ट्यूब होती है वो फट जाती है, काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा पेशेंट ब्लीड हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसको बचाना। इसलिए आप ध्यान में रखें, स्कैन जरूर करवाएं ताकि पता लगा सके और आपको भी कोई दिक्कत परेशानी ना आए। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं। अगर कुछ चीज़ के बारे में आपने पूछना है या किसी वीडियो से रिगार्डिंग कुछ पूछना है या किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर फ्री होके आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस।